हिंदू धर्म में सुबह और शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दौरान कुछ लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी करते हैं। माना जाता है कि जिस जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, साथ ही उसके रुके हुए कार्यों में भी वृद्धि होती है। लेकिन कई बार अचानक से धन से जुड़ी कई समस्याएं आने लगती है। परिवार में भी कलेश की स्थिति बनी रहती है। यही नहीं, बने बनाए कामों में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। इसका कारण है माँ लक्ष्मी का नाराज होना। कई बार जाने अनजाने में कई गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे जीवन में समस्याओं का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में कुछ संकेतों के माध्यम से जाना जा सकता है कि माँ लक्ष्मी नाराज है। आइए जानते हैं वे कौन से संकेत हैं जिससे पता लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। पहला संकेत, घर में अचानक से मनी प्लांट का सूखना लक्ष्मी जी की नाराजगी का संकेत माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे में सूखापन आना भी माँ लक्ष्मी के नाराज होने के संकेत बताए गए हैं। दूसरा संकेत है कि वास्तुशास्त्र में नल से लगातार पानी का टपकना अशुभ माना गया है। ये धन हानि का संकेत होता है। मान्यताओं के अनुसार नल से पानी का टपकना आर्थिक संकट का कारण है, इसलिए अगर आपके भी नल से पानी बार बार टपकता है तो इसे तुरंत सही करा लें। तीसरा संकेत है कि यदि घर में बार बार दूध गिर जाता है तो इसे अशुभ माना गया है। ऐसे में आपको अपनी गलतियों के लिए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि इसे देवी के नाराज होने का संकेत माना गया है। बार बार जेवर गुम हो जाना माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत बताया जाता है। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने हैं, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान शंख बजाना चाहिए, साथ ही घंटे भी बजाएं। माना जाता है कि इससे आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात को पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे मनुष्य के जीवन में धन का आगमन होता है।